और कोई दूसरा घर में काम है उधर उधर? घर में काम ये है, इसका एक जागोर है, उस पे टैंकर रखा पानी वाला। अच्छा, उसका दो ट्रिप हफ्ते में लगाना बस, दो ट्रिप। ओ अच्छा, वो बकरी होगा, बकरी रखा है इसने। हाँ नहीं, यही होता है बाकी काम। हम तो अच्छा है ना, कोई भी अच्छा है ना, चलो ठीक है। लफड़ा नहीं है घर में काम? घर में हूँ यार, लेकिन मेरे को तो कंपनी के लिए वीजा दिया था ना, साला ने झूठ बोल दिया एजेंटों ने। कब, कितना टाइम हो गया इधर? अभी तो मेरे को चौथा महीना इधर आया। अच्छा, सैलरी क्या? सैलरी 120 के दी। कहाँ पहले सऊदी रिटर्न हो? सऊदी रिटर्न हो? मैं सऊदी रिटर्न हूँ। अच्छा, सऊदी रिटर्न। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ, आई होप आप अच्छे होंगे और खैरियत में होंगे। दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो जो ड्रावर में है, कुवैत में ड्रावर कैसे नौकरी करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या उनको तकलीफ होती है, ये सारे चीज़ें आपको इस वीडियो के जरिए देखने को मिलेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें ताकि हर चीज़ आप समझ सकोगे। अगर पूरा वीडियो देख लोगे नहीं तो बहुत कुछ सीख के जाओगे, और न्यू ड्राइवर है वो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। और जो कुवैत आने वाले हैं किसी भी कंपनी में या किसी भी कैटेगरी में आने वाले हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि उनको समझ में आ सके कि यहाँ पर कैसे लाइफ होती है। ये एक ड्राइवर का लाइफ नहीं है, ये हर एक उस बंदे की लाइफ का सवाल है जो कुवैत आना चाहता है, अपना घर बार छोड़ के जो जॉब करना चाहता है। सलाम अलैकुम। किधर से हो भाई? पंजाब। इंडिया। और आप? मैं भी इंडिया से। आप? इंडिया में किधर? कर्नाटक। अच्छा, मैं राजस्थान से। राजस्थान कौन सा जिला? जोधपुर। जोधपुर से हो? इधर किधर? घर में काम? घर में हूँ यार, लेकिन मेरे को तो कंपनी के लिए वीजा दिया था ना, साला ने झूठ बोल दिया एजेंटों ने। कब, कितना टाइम हो गया इधर? अभी तो मेरे को चौथा महीना इधर आया। अच्छा, मिला क्या है? सैलरी क्या? सैलरी 120 के दी। कहाँ पहले सऊदी रिटर्न हो? सऊदी रिटर्न हो? मैं सऊदी रिटर्न हूँ। अच्छा, सऊदी रिटर्न हो, तभी तो 120 दे। नहीं तो क्या है कि बोलेगा, ये लोग क्या बोलते मालूम है? आदमी चाहिए 100% सैलरी देंगे 70-80 रुपये। मैं तो जा रहा हूँ 120 को भी छोड़ के। हाँ, मैंने कहा मेरा एग्रीमेंट 180 के डी का है। कंपनी का है ना? कंपनी का बोला मेरे को पिज्जा, ये साला जागरूक का निकल रहा है। मेरे को बोलता मेरा तो जागरूक मैं जा रहा हूँ। अभी इधर कॉलेज करते हो? हाँ, कॉलेज। वो घर में ले आया, बोला मैं जागरूक का भी नहीं, टैंकर भी नहीं चलवाएगा। मेरे तो लाइसेंस बड़ा है ना, चौधरी का हेवी लाइसेंस है। चौधरी का मेरा तो सत्थे का लाइसेंस है। तो आपका एग्रीमेंट में है तो या तो एजेंट झूठ बात किया या ये बात किया, दो में से एजेंट ने झूठ किया। हाँ, ये सही है, इसने अपना पूरा दिखाया भाई। देखो क्या, ये लोग जो बात करेंगे उसमें कभी भी फर्क नहीं आता। एक रुपया भी नहीं लिया, पीजे का पैसा नहीं लिया, उन्होंने 1,80,000 ले लिया। इसने जिसको वीजा इसने दिया था उसने भी पैसा लिया 40,000 उससे। वो आगे से आगे जाते जाते पंजाब तक जाते जाते 8 एजेंट है। क्या करें? लो, आप अभी 8 एजेंट होगा तो फिर तो मसला होना ही है। 1,80,000 बोलता बुड्ढा मेरे को, बोला 1,80,000 लगा के आया और ब्याज पे पैसा उठा लिया मैंने। 80,000 रुपया लाख तो खुद का दिया, 80,000 मैंने ब्याज पे ले लिया। वो बोलता है तू कर ले, कोई मुश्किल नहीं है, 6 महीना तेरे को 120 देगा, उसके बाद 150 सैलरी करी। तो अब घर का, आपका घर का हालात कैसा है उसके हिसाब से आप तय कर लो, क्योंकि हर सही है। हाँ, लड़कियाँ भी अच्छी है, लड़के भी अच्छे हैं। नहीं नहीं, मैं इंडिया का बहता हूँ, अपने इंडिया का कैसा हालात है उसी के हिसाब से तय करना है। इसीलिए तय करना पड़ा ना, इसलिए वही तो बात है, क्योंकि अब जो भी ड्राइवर होता है वहाँ से पैसे, अभी इधर से जाओगे तो 1,80,000 आपको कोई भी नहीं देने वाला। नहीं तो इंडिया जाके भी आप एजेंट का कुछ भी नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं, वो मेरे एक आदमी ने कर भी दिया उसको। अच्छा, वो दफ्तर ही उठा के ले गया साला लुधियाने से, इतना दफ्तर रातों रात। सुबह उसको मिल के आया, दूसरे दिन उसने बुलाया भी ठीक है दूसरे दिन आ जाना, मैं इतनी पेमेंट वापस कर दूंगा। दूसरे दिन गया तो दफ्तर ही नहीं है उधर, बोला वो दफ्तर ही उठा दिया। यहाँ पे यही ड्राइवरों का काम है, एजेंट लोग फंसाते हैं और फिर आके बेचारा जो आता है वो बंद होता है। अभी ऑफिस से जो मिलेगा ना, तीसरा महीना चौथा महीना चल रहा है मेरा, ये भी खलास हो जाएगा। मेरे को उसने बोला 5 महीने के बाद तेरे को 150 के डी देगा। चलो 5 महीना खलास होगा, फिर उसको पूछेगा हाँ बाबा सैलरी। चलो ठीक है, 2 महीना तो बचा है, 2 महीना कर लो देख लेंगे।
नहीं है तो मैंने तो बोला हुआ मैं चला जाएगा। सही है सही। उसने भी बोला था ठीक है मैं नहीं सैलरी बताएगा फिर तू चले जाएगा। मैं रुकेगा नहीं, मैं तेरे को टिकट भी दे देगा तू चले। यहाँ पे कॉलेज आते हो? कॉलेज और कोई दूसरा घर में काम है उधर उधर? घर में काम ये है इसका, एक जागोर है उस पर टैंकर रखा है पानी वाला। अच्छा, उसका दो ट्रिप हफ्ते में लगाना लगाना बस दो ट्रिप। ओ अच्छा, वो बकरी बकरी होगा? बकरी रखा है इसने। हाँ नहीं यही होता, बाकी काम हम तो अच्छा है ना, कोई अच्छा है ना, चलो ठीक है। लफड़ा नहीं है, उन्होंने ये नहीं पूछा कितना पैसा बचा तेरे में इस चीज का, ये तो कोई ऐसा ही बहुत बहुत होते हैं, हिसाब भी मांगते हैं पैसा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं मांगा। कभी मेरे पास 5 रियाल भी बच गए ना, मांगेंगे नहीं, गाड़ी कितनी है? गाड़ी 5 गाड़ी है इसके पास। 5 गाड़ी है तो फिर भी मेरे को तो आला तूल एक गाड़ी क्लीन करना होता है। अच्छा, वो बाकी करना है नहीं करना आला तूल तो मेरी मर्जी। और कोई आदमी है वो घर में? घर में नहीं है दूसरा, अभी मेरे को बोला अपने भाई को बुला ले इधर। हाँ एक और बुला ले, मैंने बोला इतनी सैलरी लेगा? हाँ बोला देगा यार, मुश्किल नहीं है तू बुला ले। अगर जो कोयते एक बार बात कर लें वो उस पर आप, वो कोयते उस पर अटल रहता है, वो अटल बदली नहीं करेगा। जो यहाँ से कहेगी 100 KD काम कर रहा हूँ, 120 बता के अभी 100 में काम कर रहा हूँ, वो एजेंट लोग करते हैं इंडिया से ही, हमें फ्रॉड करके भेजते हैं यहाँ, और यहाँ से भी 200-300 KD ले लेते हैं। ले लिया उन्होंने पैसा, कमा लिया भाई 180 लाख ऑफिस से आएगा तो धोखा ही धोखा भाई। जहाँ अपना आदमी इधर रह के अभी समझो, अभी ये है, ये अपने भाई को भी बुला सकता है वो किसी भी जगह। वही तो है ना, आप यहाँ रह रहे हो, आप किसी को भी बुला सकते हो, अपने दोस्त को बुला सकते हो, अपने किसी भी व्यक्ति को बुला सकते हो। एक और फायदा है, ये बोला भी मैं टिकट भी दे दूंगा उसकी, तो उसको बुला ले। हाँ तो टिकट देता है हर 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 में से, टिकट दे देगा इंडिया से आ जाएगा। 100 में से 10 कुवैती ऐसे होगे कि टिकट नहीं होगे, जो 90 कुवैती टिकट देते हैं अगले बंदे आने का। अभी जो मेरे को भी आके, मैं पहले आया था 4 साल पहले। मैं बताऊं पाजी कि इंडिया में इस समय इतना हालात खराब है कि रोज मुझे मैसेज करते हैं कि भाई कैसे भी करके एक वीजा दे दे। इतना असला जे भी है ना, हम लोग वीजा अपने आदमियों को देते भी हैं, बाद में कई आदमी ऐसे उधर से आके भी काम नहीं करेंगे तो मुश्किल है ना फिर। वही बात है, डर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बात है। कि अभी किसी के घर में ड्यूटी करना है ड्राइवर, क्योंकि ये लोग मेरे साथ हुआ है भाई, ये अपना पैसा भी रखते रहे गाड़ी के अंदर, जो सोने की चीज है वो भी रखते रहे। वो तो अब ड्राइवर से छुपा के कहाँ रखेंगे, वो तो गाड़ी में भूल भी जाते हैं। रख देते थे क्योंकि उन लड़कों ने मेरे चेक करना, मेरे को पता था इसने पैसे सीट के पीछे रख दिए। मेरा जो काम है, मैंने तो गाड़ी क्लीन करना, जहाँ पड़ा है वहाँ फिर रख देना उसके। उन्होंने कहना दिलवा के इसको तुमने चेंज नहीं किया, क्या करेगा इसको चेंज, तुम्हारा पैसा रखो या ना रखो मेरे को क्या। भाजी ये ड्राइवर की लाइफ, हर ड्राइवर की कहानी है, आपकी नहीं है। हर ड्राइवर कुवैत में आता है ना, वो 6 महीना उस ड्राइवर को आजमाएगा, कुवैती देखेगा कि ये कैसा बंदा है, 6 महीना उसको लाजमी आजमाएगा, उसके बाद में तय करता है, फिर उसके बाद में आप कुछ भी करो। मेरे एक बार विश्वास जीत लिया उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो पाजी। तेल दिलवाता हूँ ना, जितने का उसने बोलना उतने का दिलवा देगा, मेरे को क्या फायदा है। क्योंकि मैं बगाले पे जाता, मेरे को 1 दिनार 2 दिनार उधर से बचता तो है ही है, वो मांगते नहीं है पैसा, वो ना उन्होंने कभी ये बोला वो उसके पैसे वापस कर। बुढ़ी जाती है वो 1-2-4 दिनार दे ही देगी। ये नहीं, आपकी फैमिली अच्छी है कुल मिला के यार पाजी। अभी लड़की आती है, अभी इधर से जाएगी ना, रास्ते में कोई जमैया से चीज लेगी खाने के लिए, अपने लिए, वो खुदामा के लिए भी लेगी और मेरे लिए भी। तो ये भी चाहिए, ये खुदामा का सरनामा साथ में आई क्यों रेम दिल ने बुड्ढी को बोला ऐसे नहीं, लड़की को किसी को भी लेके जाएगा साथ में, तुम्हारी खुदामा। बिल्कुल सही है बाजी, आप नो टेंशन है, फ्री है, कहीं भी आए कहीं भी जाए, इसमें भी अच्छा है। खुदामा बैठी है, वो उनकी टेंशन, खुदामा साथ में आई है, उसको पता है वो आदमी किधर है किधर बस।